यूनाइटेड नेशन में भारत की स्थायी सदस्यता और वीटो पावर को लेकर साथ ही साथ दुनिया भर में भारत की बढ़ती लोकप्रियता और बढ़ते कद को देखकर चीन पूरी तरह से बिलबिला चुका है। यह बात चीन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है कि आखिर भारत उसके देखते देखते यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यता तक पहुंच गया और वह वहां होकर भी कुछ नहीं कर सका। इससे चीन बुरी तरह से तिलमिलाया हुआ है और इसके बाद चीन एक के बाद एक ऐसे काम कर रहा है जिससे वह हर कदम पर भारत के लिए रोड़ा खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। चीन इस नीचता तक पहुंच चुका है कि उसने भारत के साथ बीते 12 घंटे पहले जो किया है उसको लेकर के दुनिया भर में हड़कंप मच चुका है। हड़कंप मचने के साथ ही उसने यूनाइटेड नेशन में जो हरकत की है उसको लेकर के भारत के पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने चीन को सीधी चेतावनी भी यूनाइटेड नेशन के मंच से ही दी थी। लेकिन शायद चीन इस बात को भूल चुका था कि भारत अब एक ऐसा देश बन चुका है जो एक बार फिर से विश्व गुरु की पदवी पर बैठ चुका है और वहां चाहे तो चीन को चुटकियों में उखाड़ कर फेंक सकता है। चीन को यह बात भूल गई थी कि भारत कुछ ऐसा उसके साथ कर देगा कि वह इस बात को कभी भूल भी नहीं पाएगा और वास्तव में हुआ भी कुछ ऐसा। 12 घंटे के अंदर अंदर भारत ने चीन को लेकर के जो एक्शन लिया है उसके बाद से तो चीन की हालत कुछ ऐसी हो चुकी है कि वह बिन पानी की मछली की तरह तड़पना शुरू हो चुका है। कहीं वह क्वाड को कोस रहा है तो कहीं यूनाइटेड नेशन में भारत को कोस रहा है, लेकिन अब चीन के पास कोई और रास्ता नहीं बचा है तो वहीं भारत के सबसे करीबी दोस्त यानी कि हम सीधी बात कर रहे हैं रूस की, उसने भी चीन को जितना अब तक सैय दी थी एक झटके में ही चीन के हौसले और चीन के व्यापार को निस्तानाबूत रूस ने कर दिया। तो वहीं एक तरफ अमेरिका ने भी चीन पर ऐसे कड़े सैंक्शन लगा दिए हैं इन 12 घंटे के अंदर कि चीन बेहतर समझ चुका है कि अब क्वाड एक तरफ तो उस पर एक्शन ले ही रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत का सबसे करीबी दोस्त होने के नाते रूस भी उसे बुरी तरह से घसीट रहा है। अब यह इस वक्त जो खबर सामने आई है उसे सुनने के बाद आपको भी यकीन नहीं हो पाएगा कि भारत ने देखते ही देखते चीन के साथ ऐसा कड़ा रुख इख्तियार कर सकता है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से लिए गए एक्शन और साथ साथ चीन को लेकर के जो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस वक्त कहा है उसे आपको जरूर सुनना चाहिए। भारत ने एक बार फिर से चीन को सीधा निशाना बनाते हुए जो तल्खी दिखाई है उसे चीन अब कभी भी भूल नहीं पाएगा और भारत का यह जवाब महज चीन के एक्शन के 16 घंटे के अंदर अंदर तगड़ा रिएक्शन भारत का चीन को देखने को मिल चुका है। आखिर चीन ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से भारत ने 16 घंटे के अंदर अंदर चीन को एक बार पूरी दुनिया के सामने फिर से नंगा कर दिया है। इतना ही नहीं, भारत को चीन को बुरी तरह से लत्थू था, अब क्या है पूरी खबर बताएंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले नीचे बने लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों भारत एक बार फिर से विश्व गुरु की पदवी पर पहुंच चुका है और चीन जैसे देश भारत को एक बार फिर निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत अब झुकने वाला नहीं है। इसलिए हम सबको इस बारे में अपनी आवाज बुलंद भी रखनी चाहिए। दोस्तों इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों बता दें कि यूनाइटेड नेशन में जब से भारत ने अपना कदम रखा तो चीन के हालात कुछ ऐसे बन चुके थे कि चीन हर कदम पे भारत के लिए रोड़ा खड़ा कर रहा है, चाहे वह भारत के अमेरिका यात्रा को लेकर के हो। जिस दिन भारत के पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर पहुंचे अगले ही दिन क्वाड की मीटिंग हुई और क्वाड की मीटिंग को लेकर के भारत ने साउथ चाइना सी और भारत से सटे इलाकों में शांति समझौतों को लेकर के बात की, लेकिन इससे बिलबिलाया हुआ चीन तुरंत भारत को अपना निशाना बनाते हुए बोला कि भारत एक बार फिर से साउथ चाइना सी में अपनी मोनोपोली चाहता है और यूएसए के साथ मिलकर के वह चीन को दबाने की कोशिश में लगा हुआ है। ऐसा स्टेटमेंट चीन का सामने आया जिसके बाद से पूरी दुनिया में इस बात को लेकर के चर्चा शुरू हो गई कि क्या वास्तव में ऐसा कुछ हुआ। लेकिन इसके बाद तो बात तब और ज्यादा बिगड़ी जब चीन ने भारत की यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर को लेकर के यानी कि भारत में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर के पूरी दुनिया के मिल रहे समर्थन पर अपना रोड़ा अड़ाया। एक बार फिर से चीन ने वही किया जो हरकत चीन पहले कई बार करता आया है।
लेकिन इस बार उसे शायद यह अंदाजा नहीं था कि वह भारत को चाहकर भी नहीं रोक पाएगा। लेकिन अब भारत ने जो एक्शन उस पर लिया है, उसे सुनने के बाद पूरी दुनिया के होश उड़ चुके हैं। बता दें कि चीन ने भारत को रोड़ा अड़ने के साथ ही भारत के साथ अपने सैन्य संबंध को एक बार फिर से खराब करने की कोशिश की थी, जिसको लेकर के भारत ने सीधे तौर पर चीन को उंगली दिखाते हुए भारत के एक बार विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज बहुत अहम बात कही। उन्होंने कहा कि उन्होंने आज से पहले, कुछ दिन पहले, जो चीन के साथ अपने बेहतर संबंधों को बात करके कही थी, वह सिर्फ अपने अरुणाचल प्रदेश के इलाके सिक्किम और साथ साथ भारत के सीमावर्ती क्षेत्र, जिनकी राज्य सीमा चीन से लगती है, वहां पर सैनिकों के पीछे होने को लेकर के जो सहमति बनी थी, उस पर अपना बयान दर्ज किया था। उन्होंने कहा था कि चीन से हमारे 90% चीजों को लेकर के जो विरोध थे, वह सुलझ चुके हैं। लेकिन जब चीन की यह हरकत सामने आई, इसके बाद भारत के नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि अब सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के इलाकों को लेकर के यह बात उन्होंने कही थी, लेकिन चीन के साथ स्थितियां एक बार फिर से खराब हो रही हैं। और चीन यह जानबूझकर कर रहा है, क्योंकि जब से क्वाड की मीटिंग हुई है तो चीन बुरी तरह से बिलबिला चुका है। चीन को ऐसा लगता है साउथ चाइना सी पर चीन का दावा है कि पूरा इलाका उसका है, जबकि हकीकत में उसकी सीमा के बाहर उसका कोई अधिकार नहीं है। फिर भी वह इस पर कब्जा जमाने की कोशिश करता है। चीन को डर है कि अगर भारत ने यहां कदम रखा तो वह कुछ नहीं कर सकेगा। अब भारत ने साउथ चाइना सी में कदम रखने की पूरी तैयारी कर ली है, जिससे चीन की मोनोपोली खत्म होगी। इसके साथ ही भारत ने चीन के साथ व्यापार में भी कदम उठाया है, जिससे चीन की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित होगी। भारत अब चीन के साथ अपने व्यापार में 60% तक कटौती करने की योजना बना रहा है। इसके साथ ही अमेरिका ने भी चीन को सख्त चेतावनी दी है, खासकर चीन के सॉफ्टवेयर, ऑटोमोबाइल्स, स्पाई कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को लेकर, क्योंकि ये चीन की ओर से दूसरे देशों की सुरक्षा और संप्रभुता को खतरे में डालते हैं। अमेरिका ने चीन पर प्रतिबंध लगाते हुए चीन को बड़ा झटका दिया है। चीन का सबसे बड़ा व्यापार अमेरिका और दूसरा भारत के साथ होता है। ऐसे में दोनों देशों द्वारा व्यापार पर प्रतिबंध लगाने से चीन हिल चुका है। उम्मीद उसे रूस से थी, लेकिन रूस ने भी चीन के खिलाफ कदम उठाते हुए उसे झटका दिया है। आपको बता दें कि रूस और चीन के संबंध हाल में अमेरिका की वजह से करीब हुए थे, लेकिन चीन को यह समझना चाहिए कि रूस और भारत का सहयोग बहुत मजबूत है और भारत हर स्थिति में रूस के साथ खड़ा रहता है। चीन को लगा था कि रूस उसके साथ जुड़कर भारत से दूरी बना लेगा, लेकिन रूस ने अब चीन पर सीधे तौर पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। रूस ने चीन को भेजे जाने वाले हथियारों और सैन्य सामान पर रोक लगा दी है। इस कदम से चीन को बड़ा झटका लगा है। अब चीन अमेरिका, भारत और रूस जैसी महाशक्तियों से अलग हो चुका है। ऐसे में चीन के पास बहुत कम विकल्प बचे हैं। क्या वह अब उत्तर कोरिया के साथ अपने संबंध बेहतर करेगा? लेकिन इससे भी उसे ज्यादा फायदा मिलने वाला नहीं है, और यह हम सभी जानते हैं। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।